हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्तियाज़ ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं बथा, और आज बथा जा रहे हैं सैपको बस से, जो सिटी की ट्रांसपोर्ट बस है। तो आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि सऊदी में कैसा होता है ट्रांसपोर्ट बस। और यहाँ पे दो टाइप की बस है, एक ग्रीन बस है और एक, तो अभी जो ग्रीन बस है मेट्रो, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ जो सैपको वाली बस है उसकी सर्विस स्टार्ट है, और सैपको वाली बस की सर्विस स्टार्ट है और ग्रीन बस की अभी ट्रायल चल रही है। तो हम लोग पहले अभी सैपको वाली बस के में फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है इसका। ये सैपको बस से सऊदी अरब के 5 सिटी में चलती है, रियाद हुआ, मक्का हुआ, मदीना हुआ और जद्दा हुआ, और लास्ट में दमाम, वहाँ पे चलती है ये सिटी बस चलती है, उसको सिटी बस बोलते हैं। ये सिटी के अंदर ही सर्विस देती है। तो हम लोग बस स्टॉप पर रुके हुए हैं, और बथा के जाने के लिए 16 नंबर बस आएगी, तो हम लोग बस पकड़ के बथा जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आइएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सऊदी अरब के बारे में हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर क्या चेंजिंग हो रहा है, क्या यहाँ पर कुछ डेवलप हो रहा है, उसके बारे में बताते रहेंगे। क्या अरमान सर? बिल्कुल सही, आपको इस चैनल पर हर वक्त सऊदीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी, डे बाई डे लाइफ कैसे गुजरती है हम खारजियों की यहाँ पर, हिस्टोरिकल प्लेसेस, शहरों की, शहरों के बारे में नई नई जानकारियाँ, सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। इंशाल्लाह बने रहें आप चैनल पर, और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हम लोग की बस आ गई, ये सामने बस है। आप जब बस के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे वो कार्ट को पंच करेंगे, उसके बाद आपका इससे जो लोड है वो कट जाएगा। तो फिलहाल ऑलरेडी कट चुका है 3 लेयर, और आखिरकार बस हमें मिल गई बथा जाने के लिए, काफ़ी 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद से। और ये कार्ड जो है हमें 20 रियाल पर पर्सन का लेना पड़ा, जिसमें कार्ड 10 रियाल का हुआ, 10 रियाल इसमें बैलेंस रहा, और जो भी अब हम इस पर ट्रैवल कर सकते हैं जितने भी कॉस्ट के हैं उस हिसाब से अब ये कार्ड परमानेंट हो गया। इस कार्ड का कॉस्ट 10 रियाल हुआ और 10 रियाल इसमें बैलेंस दिया गया। फिर हम लोग पहुँचते हैं वहाँ, फिर बात करते हैं। ये कार्ड सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम ही लेना पड़ेगा, उसके बाद वो कार्ड नहीं लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिर्फ इसमें बैलेंस लोड करना है। अब जब भी बस में चढ़ेंगे उसको पैसा देंगे, आपको कार्ड में वो लोड कर देंगे। तो हम लोग का यही बस का सफ़र है, तो बस में सिर्फ एक चीज़ मिस कर रहा है, इंडिया की फीलिंग मिस कर रहे हैं। फीलिंग मिस कर रहे हैं, भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, बगल की सीट खाली रह रही है। लेकिन सही बात है कि 8 सालों में पहली बार बस का सफ़र कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी इंजॉय फील कर रहे हैं, एक्साइटमेंट लगा हुआ है हम लोगों को। आगे पहुँचते हैं फिर बातें करते हैं आपसे हम लोग। ये बस के अंदर का सीन है, पर सीट पर एक सीट पर दो सीट पर एक आदमी बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरोना का वैसे यहाँ पे सेफ्टी पूरा ध्यान रखते हुए ऐसा मेंटेन किया गया है। फीलिंग ऐसा आ रहा है कि हम लोग कोलकाता के जो बस होती है लग्जरी बस, उसमें ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही फील है, वैसा ही माहौल है, लोग अपने अपने सीट पर बैठे हुए हैं। हम लोग अभी ट्रैफिक पर रुके हुए हैं क्योंकि अभी सिग्नल रेड है, इसके वजह से हम लोग ट्रैफिक पर रुके हुए हैं। आसपास आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रैफिक है, रश है। ये जो बस है, ये पूरा बस खुलती है जो अजीजिया है सैपको बस स्टैंड, वहाँ से खुलती है। तो वहाँ से दो बस है, एक सैपको बस जो है ये लोकल बस है, ये लोकल जो रियाद सिटी के अंदर चलती है, और एक सैपको और है जो एक सिटी से दूसरे सिटी को जोड़ती है। जैसे अगर आपको जाना है रियाद से मक्का, रियाद से जिद्दा या रियाद से दमाम, वो भी एक है, वो एक। Say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Oh, oh, I'll never let you slip away. Oh, oh, and you don't have to be afraid. I will hold you till the sun comes crashing down. I'm yours until the. इस बस के अंदर 3 गेट है, ये एंट्री गेट है, वो एग्जिट गेट है, गेट है लास्ट वाला जो इमरजेंसी गेट है। तो हम लोग आ गए जहाँ पे हम लोग आना था बथा में, तो हम लोग बथा के पास आ गए। ये हम लोग का ट्रैवल एक्सपीरियंस था सैपको बस का। अभी जब यहाँ पे आए तो हम लोग बात किए सैपको वाले से, तो उन्होंने बोला है कि ये बस हो सकता है ये बंद हो जाएगा 1 अगस्त के बाद, जो रियाद की जो ग्रीन मेट्रो बस है वो चालू हो जाएगी। तो कैसा लगा आप लोग का, बताइए आप लोग का एक्सपीरियंस। सर मैं तो बहुत एक्साइटेड, बच्चे की तरह एक्साइटेड फील हुआ, 8 साल के बाद बस पर चढ़ा, और एक नया एक्सपीरियंस था जो बिल्कुल इंडिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फैयाज भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस?
मेरा भी कोई अच्छा सऊदी में बस सापको बस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि मैंने पहला बार जो सापको बस में चढ़ा था वो उमरा करने गया था फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम चढ़ा। और सेकेंड टाइम मेरा ये है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने सापको बस से बथा का ट्रेवलिंग किया, क्योंकि मैं पहले हमेशा बाई कार आते थे या टैक्सी से आते थे, तो आके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जैसे इंडिया का मैं ट्रैवलिंग करते थे, ऑफिस जाते थे और पढ़ने जाते थे, स्कूल कॉलेज वहाँ का याद आ गया। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो अभी इन्होंने फयाज भाई ने कहा, मुझे एक्साइटमेंट इसलिए हो रही थी, ऐसा लग रहा था मैं कॉलेज में दोबारा से क्लास करने जा रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा था इस बस में चढ़ने के बाद से। दो बार सीट भी बदला अपना बस उस एक्साइटमेंट में। स्पेशली इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग अपना कार से नहीं आए, हम लोग कार को अपना पार्क कर दिए हैं, फिर वहाँ से हम लोग बस का वेट करके फिर बस से आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। I've been watching you from a distance as I turn out all the lights. All I want from you is to listen and remember the good times. If you think of all that we leave out, is that weird you're feeling blue? I know nothing ever turned out as you wanted to. But every time I feel it, every time I breathe, every time I close my eyes, it's coming right at me all over again. Till the morning light. Yeah, I know I will learn it the hard way, 'cause I just can't leave it, babe. And I don't really care what they say.